नमस्कार, मैं उमेश शुक्ला। विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर रीवा से है। किसी भी विकसित व सुरक्षित समाज का निर्माण तभी संभव है जब महिला एवं पुरुषों की सामान्य सहभागिता हो। खासकर महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण देने हेतु समाज में बालकों एवं पुरुषों का महिला अपराधों के प्रति जागरूक होना, उनके प्रति संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है। एक विकसित समाज बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष जागरूकता अभियान अभिमन्यु शुरू किया गया है, जिसका नाम अभिमन्यु इसलिए दिया गया है कि यह बुराइयों के चक्रव्यूह को तोड़ता है। पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी हुए आदेश पर पूरे मध्य प्रदेश में यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के निर्देश में पुलिस विभाग ने रीवा जिले में जागरूकता अभियान अभिमन्यु का शुभारंभ किया है। इसके लिए अभिमन्यु सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। उक्त सेल्फी पॉइंट सेल्फी प्लाजा, रीवा पुलिस यातायात चौकी, पीटीएस पेट्रोल पंप और विवेकानंद पार्क में बनाए गए हैं, जहां युवक युवतियां महिलाएं आकर सेल्फी ले रही हैं, वहीं इस अभिमन्यु को सफल बनाने के लिए संकल्प भी ले रही हैं। दरअसल इसका उद्देश्य है कि चुप ना रहें, आवाज उठाएं, किसी भी प्रकार की सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए आवाज उठानी ही होगी। दरअसल पुलिस प्रशासन नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, भ्रूण हत्या, अशिक्षा, संवेदनशीलता जैसी बुराइयों से घिरे समाज के इस चक्रव्यूह को अभिमन्यु के जरिए तोड़ना चाहती है, जिसके चलते इसे अभिमन्यु नाम से अभियान चलाया गया है। चलाए जा रहे अभियान के संबंध में डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। सेल्फी ले लो, सेल्फी आप लोग। देखिए भैया ये क्या है, जरा पढ़िए, पढ़िए जरा ये क्या लिखा है। रीवा जिले में चूंकि पीएचक्यू के द्वारा पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश के द्वारा सभी जिलों में पूरे मध्य प्रदेश में समाज में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, स्पेशली महिलाओं के प्रति जो अपराध घटित होते हैं, और जो अपराध घटित होते हैं उसका कारण क्या होता है, नशा होता है, जुआ होता है, और भी कई इस प्रकार की अशिक्षा होती है, या फिर महिलाओं के जो अधिकार है उनके प्रति पुरुषों में जागरूकता नहीं होती है, तो उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए और एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा श्रीमान आईजी सर, डीआईजी सर, पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में रीवा जिले में भी 12 जून से 19 जून तक ये अभियान अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि एक सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं रीवा जिले में। पहला सेल्फी पॉइंट हमारा सेल्फी प्लाजा में जो पुलिस सहायता केंद्र है उसके पास में बनाया गया है, जहां पर आप जाएं, देखें, उसे पढ़ें, उस पोस्टर को, उसको जानें, समझें कि उसमें लिखा क्या है। अभिमन्यु जिस प्रकार से चक्र भेदन कर सकता है, चक्र भेदन जैसे किस चीज़ का चक्र भेदन, इस तरीके का पोस्टर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, भ्रूण हत्या, अशिक्षा, लिंग भेद, यानी कि मैं हूँ अभिमन्यु, यानी कि आप अभिमन्यु बने और अपने समाज के इन रूढ़िवादिताओं को, इन जो गंदगी फैली हुई है समाज में उसको तोड़ने के लिए आप एक अभिमन्यु का रोल प्ले कर सकते हैं अगर आप इन सारी बातों को मानते हैं। तो इसी के प्रचार प्रसार के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है एसपी सर की तरफ से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में भाग लें, आएँ सेल्फी पॉइंट पर, सेल्फी लें, अपने आसपास के लोगों को लेकर आएँ, उनको बताएँ, अपना फेसबुक पर सिर्फ एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए इंस्टा पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस बनाएं इस लोगों के साथ में, इस मोनो के साथ में, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैले। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने एक और पोस्टर चिपकाया है जिसमें लिखा हुआ है कि चुप ना रहें, आवाज़ उठाएं। इसका मतलब ये है कि जो महिलाएँ हैं जो किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और जो किसी को अपनी पीड़ा नहीं बता पा रही हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में किसी बच्ची को परेशान करता है या कॉलेज में
या राह चलते या जो कार्यस्थल है वहां पर कोई किसी को परेशान करता है, तो इसमें महिला हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, आप बिना अपनी गोपनीयता रखते हुए, अपनी पहचान को छुपाते हुए आप इन पर कॉल कर सकती हैं, बता सकती हैं कि हमको ये व्यक्ति इस माध्यम से परेशान कर रहा है। आप अपना नाम मत बताइए, आप सीधा ये बताइए कि ये व्यक्ति है, इसका ये गाड़ी क्रमांक है, ये यहाँ रहता है, उसका पता बता दीजिए और पुलिस उस पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। ये अभियान इसीलिए भी चलाया जा रहा है कि आप पुलिस से ना घबराएं, पुलिस के पास आने से ना घबराएं, आप पुलिस के पास आए पुलिस आपके सहयोग के लिए, ना कि आपको डराने के लिए। तो इस अभियान का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग जागरूक हों, पुलिस का सहयोग लें और पुलिस को सहयोग करें। कितने दिन से है ये अभियान? ये अभियान 12 जून से 19 जून तक चलाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, कल जैसे ये अभियान शुरू हुआ तो हम लोगों ने जो सेल्फी पॉइंट लगाए हैं वहाँ पर, जो मार्केट है सेल्फी प्लाजा यहाँ रीवा का मेन मार्केट है, तो वहाँ पर वो लगाया है जिससे कि ज़्यादा से लोग आए, हमसे जुड़ें और इस जो हेल्पलाइन नंबर है इसके माध्यम से जाने। जैसे कि 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी दिवस मनाया जा रहा है। तस्करी दिवस का मतलब जो इंसानों को बेच दिया जाता है, मानव तस्करी, जहाँ पर हम जैसे धारा 370 के अंतर्गत, IPC की धारा 370 के अंतर्गत मानव तस्करी दुर्व्यापार एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, उसकी रोकथाम के लिए भी यह अभियान चलाया जा रहा है।